बच्चों, आज हम रसायन विज्ञान विषय के अंतर्गत उस गैस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये गैस हमारे वातावरण में 69% पाई जाती है और अब हम वो गैस है नाइट्रोजन, जिसका प्रतीक होता है N, अणु सूत्र होता है N2 और इसका परमाणु भार होता है 14 और संयुक्ता इसकी होती है 3 और 5। अणु भार इसका होता है 28 और परमाणु क्रमांक होता है इसका 7। तो अब हम इसके इतिहास के बारे में भी कुछ जानकारी ले लें तो सर्वप्रथम इसकी खोज डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में इसका नाम मेफिटिक वायु रखा। तत्पश्चात एक दूसरे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लेवोसिए, इन्होंने इस गैस का नाम एजोट रखा। 1823 में चैप्टल नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम नाइट्रोजन गैस रखा। नाइट्रोजन गैस स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, संयुक्त अवस्था में ये साल्ट्स में पाई जाती है। बच्चों, इतना ही नहीं, नाइट्रोजन प्रोटीन के रूप में वनस्पतियों में तथा जंतुओं के शरीर में भी पाई जाती है। इस गैस को हम कैसे बना सकते हैं तो हमारे बनाने की विधियां अब हम जानते हैं। नाइट्रोजन यौगिकों द्वारा हम नाइट्रोजन गैस प्राप्त कर सकते हैं। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रिया कराने पे नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। दूसरी तरीके से भी इसको हम प्राप्त कर सकते हैं, वो है अमोनिया को विरंजक चूर्ण के साथ रिएक्शन करा करके हम नाइट्रोजन गैस प्राप्त कर सकते हैं। प्रयोगशाला में बनाने की विधि भी जान लें तो अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइड के साथ रिएक्शन करा करके हम नाइट्रोजन गैस प्राप्त कर सकते हैं। प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस किस तरीके से बनाई जा सकती है और किन किन उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है? एक स्टैंड की ज़रूरत है, राउंड बॉटम फ्लास्क, स्पीड लैम्प, कार, निकास नली, द्रोणिका, नान, पानी और एक जार की ज़रूरत है। अब हम इन सामग्री को चित्र में दिए हुए तरीके से इसको हम सुसज्जित कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको स्पीड लैम्प से धीरे धीरे गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद गैस इस निकास नली के माध्यम से द्रोणिका के ऊपर उल्टी रखी हुई जार के अंदर एकत्रित हो जाती है। प्रयोगशाला में बनाते वक्त बच्चों हमको कुछ सावधानी रखनी पड़ेगी, अन्यथा वो कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। तो हमको सावधानी क्या करनी है, सर्वप्रथम फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करें, अन्यथा विस्फोट हो सकता है। उपकरण को वायुरोधी बना लें पहले। तो अब इसके भौतिक गुण के बारे में भी जानकारी ले लें। नाइट्रोजन गैस रंगहीन स्वादहीन है, हवा से हल्की होती है, जल में अल्पवलीय है, यह विषैली गैस नहीं है, परंतु इसके वातावरण में जंतुओं की मृत्यु हो सकती है। कम ताप और अधिक दाब पर यह द्रव में परिवर्तित हो जाती है। तो बच्चों, अभी हम भौतिक गुण के बारे में जानकारी ले रहे थे तो अब हम चलते हैं इसकी रासायनिक गुण की ओर। नाइट्रोजन गैस लिटमस के प्रति उदासीन है। नाइट्रोजन को मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कराने में मैग्नीशियम नाइट्राइड प्राप्त होती है। नाइट्रोजन को कैल्शियम के साथ रिएक्शन कराने पे कैल्शियम नाइट्राइड प्राप्त होती है और एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कराने पे एल्युमिनियम नाइट्राइड प्राप्त की जा सकती है। अब हम यदि नाइट्रोजन को
हाइड्रोजन के साथ विद्युत स्फुलिंग करा दें तो हमें अमोनिया गैस प्राप्त होगी, और यदि नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दें तो हमें नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होती है। बच्चों, ये गैस बनाने के बाद हम इसको पहचानेंगे कि कैसे कि ये नाइट्रोजन गैस है या नहीं। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि जलती हुई सीख नाइट्रोजन गैस के जार में ले जाते हैं, और यदि वो बुझ जाती है तो इसका मतलब वो नाइट्रोजन गैस हो सकती है, और चूने के पानी को दुधिया नहीं करती। इतने महत्वपूर्ण गैस के उपयोग के बारे में जानकारी ले लें तो इसका उपयोग है रासायनिक पदार्थ जैसे नाइट्रिकम अमोनिया आदि बनाए जाते हैं। नाइट्रोजन के द्वारा वायु की सक्रियता कम हो जाती है, जिससे वह प्राणियों की सांस लेने योग्य हो जाती है। अभी हम नाइट्रोजन गैस के बारे में जानकारी ले रहे थे।